हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त नौ सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज जो मैंने वीडियो क्रिएट करी है, स्पेशली इसका मेन रीजन यह है कि लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कुन सिटी टू में, ठीक है, कुन सिटी टू की, सॉरी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने प्राइस जो था वो ओपन नहीं करा था कि भाई कितने रुपए पर गज आपकी साइट होगी, ठीक है। हालांकि मैंने लाइव वीडियो क्रिएट करी थी वो साइट पर जाके, ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं कुछ आंसर इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, या यूं कहें कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो गाइज, मेरा नाम है सुनील। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा जेवर, बरसाना, गोवर्धन से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिल सके, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। इस तरीके का अंगूठे का निशान है, तुरंत लाइक करें। एंड आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में, उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए। फटाफट जाके सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को थोड़ा छोटा बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। लास्ट मैंने वीडियो क्रिएट करी थी कौन सिटी टू की, लाइव आपको लोकेशन दिखाई थी, इस तरीके से सोसाइटी होगी, इस तरीके से सारी की सारी फैसिलिटी वहां पे मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो मैंने उसमें प्राइस ओपन नहीं करा था। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आए मेरे पे लास्ट दो दिन के अंदर के, भाई प्राइस बताओ प्लस कहां पर पड़ गया एग्जैक्ट, और जेवर से कितना दूर है, सेफ है या नहीं है, क्योंकि जेवर के अंदर जितनी भी ऑलमोस्ट आज की डेट में सोसाइटी का है या लैंड का है, जो लोग खरीद रहे हैं स्पेशली प्लॉट, तो उनको माइंड में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन रन कर रहा है कि कल को बुलडोजर ना चल जाए। और मैक्सिमम ऐसा देखा भी जा रहा है कि बुलडोजर चल भी रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है एकदम, ठीक है भाई। आप अपने मेहनत का पैसा दे रहे हो तो जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि जब तक आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी लेके रखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखें, तभी आप प्लान करें खरीदने का, वरना ना खरीदें, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ दिखा देता हूं। ये इस तरीके से आप देख रहे हो कौन सा सिटी टू का है। मैं इसमें आपको हर चीज आपको बताने वाला हूं, कितने का प्लॉट पड़ेगा, कहां पर साइट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपकी जो ये साइट पड़ती है, ये साइट की लोकेशन बहुत बढ़िया है। नंबर एक, आपका ये गोवर्धन से भी कनेक्ट होती है, सॉरी मथुरा से भी कनेक्ट होती है, वृंदावन से भी कनेक्ट होती है, NH2 से भी कनेक्ट होती है, प्लस आपका जो जेवर एयरपोर्ट है उससे भी आपका ये साइट कनेक्ट हो रही है। इसके अंदर आपको 3 से 4 बेनिफिट्स तो आपको ये मिल गए। एक मेन बेनिफिट और बता देता हूं मैं इसके अंदर, कि आपने सुना होगा योगी जी के थ्रू या सरकार के थ्रू कि वृंदावन पर एक बाईपास बन रहा है, ठीक है, जो कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा सीधा NH2 में, जो कि वृंदावन के पीछे पीछे निकल जाएगा, मतलब जितना वहां का क्राउड है वो एंट्री अंदर नहीं करेगा वृंदावन, तो बाईपास हो गया। इस साइड से हार्डली 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे वो हाईवे भी आपका निकल रहा है, तो मेन बेनिफिट आपको ये हो गया। वृंदावन प्लस नंबर टू, जेवर के अंदर मैक्सिमम जितने भी लोग प्लॉट खरीद रहे हैं सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन रन कर रहा है कि साइड में बुलडोजर ना चल जाए, अप्रूव्ड है सोसाइटी नहीं है। तो मैं आज वही चीज आपको बता रहा हूं, आपकी ये वाली साइट 100% सेफ है। 1 साल से ज्यादा इस साइट को ऑलमोस्ट हो चुका है, 80% सोल्ड हो चुकी है, और साथ ही साथ चारों तरफ की बाउंड्री है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान के चलते हैं कि इन्होंने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है, मान के चलते हैं ऐसा, पर है नहीं, ठीक है। आप उस पर बाउंड्री आपने कर ली, तो क्या वो 1 साल से अगर बाउंड्री हो गई है तो क्या गवर्नमेंट की नजर नहीं पड़ेगी वहां पे? डेफिनेटली पड़ेगी, ठीक है। 150 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं इस साइट के अंदर, पहली चीज प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। दूसरा बेनिफिट आपको यह मिल जाता है कि अगर आप यहां पे प्लॉटिंग करते हैं, आपको देखो गार्ड की फैसिलिटी मिलती है, CCTV कैमरे 24x7 यानी 24 घंटे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, बाउंड्री वॉल होगा। अगर आपको मथुरा जाना है, बाहर निकलो रोड पे, सीधा मथुरा पहुंच जाओ आपका। वृंदावन के दर्शन करने जाना है, वृंदावन चले जाओ। गोवर्धन जाना है, गोवर्धन चले जाओ। अब जेवर एयरपोर्ट आपको जाना है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के नाम पे जमीन बिक रही है ना दुर्की, तो जेवर एयरपोर्ट हार्डली यहां से 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। और अगर बात करूं यमुना एक्सप्रेस भी, तो 5 मिनट का डिस्टेंस है, इससे ज्यादा का डिस्टेंस वहां पर नहीं है। आप सीधा निकलेंगे नौ झील से, सीधा अपना यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे।
अब साइड कहाँ बढ़ती है, अगर आप नोएडा की तरफ से जाएंगे परी चौक पे जब चढ़ जाएंगे ऊपर यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जब आप जाएंगे टोल टैक्स बढ़ेगा। टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट ड्राइव करने के बाद राइट हैंड साइड में एक रास्ता कटता है जो कि जाता है नो झील या बाजना के नाम से फेमस है, बोर्ड दिख जाएगा आपको ठीक है। जब आप नीचे उतरेंगे तो हार्डली आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पे चलना है, 2 मिनट आप आगे के लेंगे तो आपको टी पॉइंट आ जाएगा, एक चला जाएगा वृंदावन के लिए रोड, एक चला जाएगा आपका छाता के लिए, तो छाता वाले रोड पे आपको जाना है। हार्डली 5 से 6 मिनट, चलो 10 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट में आप साइड पे पहुंच जाओगे ठीक है। वैसे 10 मिनट लगने नहीं है, मैं आपको ये बता दूं ठीक है। सारी की सारी सोसाइटी जो है अप्रूव्ड है, कहीं से लेके कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी है, किसी को प्रॉब्लम हो रजिस्ट्री के रिलेटेड मांगना चाहता हो तो आप मेरे को बीच बीच में नंबर फ्लैश करते रहे होंगे, आप इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम शहर का नाम जरूर लिखें ठीक है, आपको रजिस्ट्री मिल जाएंगी। विजिट पहले करिए तब आप खरीदिए, अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैक्सिमम तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट ही कर रहे हैं, और मैं बताऊँ ना ओरिजिनल साइड है बिल्कुल एकदम। 7,99,000 में आपको यहाँ पे 100 गज का प्लॉट अवेलेबल कराते हैं ठीक है। कुंज सिटी 2 है बेसिकली, अगर मैं इस साइट का बात करूं तो नो झील और बाजना के नाम से सेल हो रही है क्योंकि आसपास सारी जगह से कनेक्ट है ठीक है। जेवर एयरपोर्ट की बात करूंगा तो हार्डली 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे आपको जेवर एयरपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इतना तो यार देखो बनता भी है, रीजन उसका मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक, फ्यूचर में पता नहीं कब जमीन की और नीड पड़ जाए, कितनी एक्वायर हो जाए, तो यहां तक तो आपकी जमीन एक्वायर होनी है नहीं, ये आप फिक्स है आपका। जब जमीन एक्वायर नहीं होगी तो प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आसपास यहाँ पे होटल्स आएंगे, कंपनियां तो आई रही हैं ऑलमोस्ट, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। माइनस पॉइंट, जेवर एयरपोर्ट के पास में होती है तो जब टेक ऑफ और लैंड होती है ना तो जो एरोप्लेन का जो शोर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो उससे आप सेफ हैं। बाईपास बनेगा तो आपके लिए और प्लस पॉइंट बन गया, क्योंकि जब बाईपास गाइस बनेगा तो बेनिफिट्स आपके लिए आएगा, क्योंकि बाईपास के आसपास यू कहते हैं फ्यूचर बेस्ट, क्योंकि काफी सारे शोरूम स्पेशली आने वाले हैं ठीक है और आएंगे, तो ये बेनिफिट्स है आपके लिए, तो काफी सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8,000 रुपये पर गज है, यानी 7,99,000, 8,000 लेके चलता हूँ राउंड फिगर, 8,000 रुपये पर गज है यहाँ पे। 50% पेमेंट आपको देनी है, 50% जो आपकी अमाउंट रह जाएगी वो हार्डली आपको 12 से 15 महीने में पे करनी है ठीक है, तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें लोन करा के दे दो, तो देखिए लोन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही पहली चीज तो यहाँ पे, क्योंकि लोन में जब आप जाएंगे बैंक में काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन उसके बाद आपकी जो ईएमआई होगी इसके अकॉर्डिंग ज्यादा जाएगी। अगर आप लोन कराना चाहें तो लोन भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि लोन नहीं होगा इस साइड पे, स्पेशली लोन भी हो जाएगा ठीक है, तो आप लोन कराना चाहें लोन करा सकते हैं, अगर आप इनके थ्रू करना चाहें ये खुद ही फंडिंग कर देंगे तो इनके थ्रू भी कर सकते हैं ठीक है। लोन में ज्यादा किस्त बैठती है ये भी बता दो, ब्याज भी ज्यादा है यहाँ, ब्याज फ्री है। जेवर एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट का डिस्टेंस है, यमुना एक्सप्रेस वे हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है साइड से, वृंदावन हार्डली 30 से 35 मिनट का डिस्टेंस है, मथुरा हार्डली आप अब बात करेंगे तो 40 से 45 मिनट का डिस्टेंस है, चलो 1 घंटा ले लो, 1 घंटा कुछ भी नहीं होता ठीक है। बाजना इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे तो 5 मिनट का डिस्टेंस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, गेटेड सोसाइटी होगी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पक्की सड़कें, मंदिर और कैमरा, सोसाइटी सीसीटीवी कैमरे, और आप 12 से 15 मंथ की ईएमआई में इजिली यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा एनडीडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये उन्हीं का एक पार्ट है, उसके थ्रू ये लोग सेल कर रहे हैं ठीक है। तो हर कंपनी का एक अलग होता है ना, सब पार्ट बनाते हैं भाई, रियल एस्टेट में आए तो इस नाम से हम सेल करेंगे, सेम वही है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया जाने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लोकेशन को लेके इसका कोई इश्यू नहीं है। मैप आपको चाहिए, मैप अवेलेबल हो जाएगा, बाकी आप लोग जो भी चाहेंगे ना डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैंने गोवर्धन, बरसाना, स्पेशली गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, नोएडा की भी सोसाइटियों पे वीडियो बनाई है, मैं वीडियो सिर्फ वही क्रिएट करता हूं जो मैं चाहता हूं कि मैं जिसे खरीद सकता हूं मैं उसी पे वीडियो क्रिएट करता हूं, क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं
इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट मैं वेरीफाई करा चुका होता हूं जब मैं वीडियो क्रिएट करता हूं, और यही एक मैन रीजन है जिसकी वजह से मेरी जो वीडियो है ना थोड़ा रुक रुक के आती है। ठीक है, ऑफर तो मेरे को बहुत जने करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल करा दो, यानी प्लॉट सेल करा दो, सॉरी, पर नहीं ना, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता मैं तब तक वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को कैसे दे दूंगा। और जो भी लोग विजिट करने आते हैं तो अपना विजिट करें, सॉरी, अगर समझ में आती है साइट, अच्छी लगती है, खरीद सकते हैं, प्लस पॉइंट है गेटेड सोसाइटी। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, सोसाइटी के अंदर की मैंने उसमें विजिट करी है, तो सोसाइटी काफी अच्छी है। 40 बीघे का प्रोजेक्ट है ये, 70 बीघे का अभी और आने वाला है जिसका रेट जाएगा 9.5 से 10 हजार रुपए के बीच में पर गज। इसमें 80% सोल्ड हो चुका है, कुछ ही प्लॉट है लिमिटेड बचे हुए हैं। और गाइस मैं बात करूंगा यहाँ पे प्लॉटों के साइज को लेके, तो आपका 50 गज में वही 15 बाई 30 का जाता है, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि 50 पे ज्यादा लोगों की फोकस होता है 50 गज के प्लॉट पे। ठीक है, बाकी देखो टाइम टू टाइम हर चीज चेंज हो जाती है, जब आप लोग आते हैं खरीदने, जैसा आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहें तो वैसा मैनेज कर दिया जाता है। ठीक है, बीच बीच में नंबर फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक तुरंत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर तुरंत दिखा देना, जो आपके जानने वाले हो ना वीडियो तुरंत शेयर करो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर एक नई वीडियो लेके आता हूँ और आप लोगों को प्लॉट या मकान प्रोवाइड कराता हूँ। ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपनी फैमिली का एंड अपना, एंड कोरोना आ गया है तो मास्क का यूज कंटिन्यू दोबारा से स्टार्ट कर दो भैया, भूलो मत। ओके भाई, टेक केयर।